हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातें के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए। सर, आपने विवाह फिल्म देखी, फिल्म का ट्रायल रखा गया था, आप गए हुए थे, कैसी लगी फिल्म आपको? सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि प्रदीप भैया जो इसके प्रोड्यूसर है वो मेरे बहुत पुराने अजीज दोस्तों में से, इन्होंने जब भी फिल्म बनाई, बड़ी फिल्म बनाई, और इन्होंने मुझे इनवाइट किया इस फिल्म को ट्रायल देखने के लिए। तो जब मैंने फिल्म देखी तो मुझे ऐसा लगा विवाह एक बहुत ही बड़ी फिल्म बनाई उन्होंने और हट के फिल्म बनाई। मैं पिक्चर देख के जब निकला तो मैंने मेरी वाइफ से कहा कि आपको भी चलना था, आपने मिस कर गए इस फिल्म, तो बोली मुझे देखना है। तो कुछ क्लिपिंग्स उनको दिखाया तो बोले बहुत अच्छी फिल्म बनी है, मैं थिएटर में जाके देखूंगी। और इस फिल्म को वो मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज़ करने का प्लान कर रहे हैं, अच्छी बात है भोजपुरी के लिए। बैड फेज चल रहा है अभी भोजपुरी का, इस पिक्चर 13 सितंबर को रिलीज़ हो रही है, भगवान करे अल्लाह करे पिक्चर चल जाए, सुपर हिट हो जाए। और मैं चाहता हूँ कि भोजपुरी इज़ गोइंग ऑन वेरी बैड फेज और इस फिल्म से टाइम बाउंस बैक हो जाए। फिल्म के जो कलाकार है उनकी एक्टिंग आपने देखी, आपको लगता है कि हर कैरेक्टर ने अपना जो काम है वो बखूबी निभाया? चिंटू एक अच्छा एक्टर है, लेकिन जब मैंने सारी फिल्म चिंटू की, मैंने खुद, मैं डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ और मैंने काफ़ी पिक्चर उनके डैडी की, उनकी पिक्चर रिलीज़ की हुई है बंगाल टेरिटरी में, मैंने जब ये फिल्म देखी तो मुझे ऐसा लगा कि एक नया लड़का आया हुआ है एंड ही विल बाउंस बैक, इतना अच्छा उसने काम किया। फिल्म में दो एक्ट्रेस है, संचिता बनर्जी है, आकांक्षा अवस्थी है, जो काफ़ी पुराना चेहरा नहीं है, एक एक फिल्म दोनों ने किया है, उनका काम कैसा लगा है आपको? संचिता बनर्जी ने इतना अच्छा काम किया कि इस पिक्चर से उसको, मुझे लगता है कि काफ़ी फिल्म मिलने की उम्मीद है मुझे। और इस फिल्म की जो सेकंड लड़की है आकांक्षा अवस्थी, वो भी अच्छी है, लेकिन पता नहीं उसने अपना कैरियर पे खुद ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। अब आई डोंट नो, भगवान उनके साथ है। उन्होंने काम बहुत अच्छा किया और मुझे उम्मीद थी कि उनको भी बहुत सारी फिल्में मिल जाएंगी, लेकिन हमारे एक फिल्म लाइन का एक दस्तूर है कि जहाँ लड़की शादी कर ली तो उसका कैरियर पे थोड़ा सा ब्रेक लग जाता है। लेकिन उनका कहना है, अभी हाल ही में मुझे वो मिली थी, उनका कहना है कि उनके जो हस्बैंड है वो उनको काफ़ी सपोर्ट करने वाले हैं, वो उनको लेकर ही काफ़ी सारी फिल्में बनाने वाले हैं और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने साइन किए हुए हैं, तो शादी से उनको कोई फिल्मी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, आपको लगता है ऐसा? मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया फिल्म लाइन में, एक हीरोइन थी पूजा बत्रा, उनका भी हस्बैंड बहुत सपोर्टिव था, उसके बाद भी उन्होंने काम करने के लिए एतराज़ किया। उनके हस्बैंड, मैं तो चाहता हूँ कि वो सपोर्ट करे, एंड तक रहे, उनके साथ निभाए, सारी उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करे, बस ये मेरी दुआ है। लेकिन फिल्म लाइन में मैंने इतने सालों से देखते आया हूँ, एक टाइम कहीं लड़की शादी कर ली तो उनके थोड़ा, उनका कैरियर पर थोड़ा सा ब्रेक लग जाता है। जी, विवाह के गाने कैसे लगे आपको? मुझे गाने बहुत अच्छे लगे, उसका जो पिक्चराइजेशन है ना वो बहुत कमाल का है। फिल्म का जो पिक्चराइजेशन किया गया है, मंजुल ठाकुर के अक्सर बहुत सारी फिल्में हैं जो पिक्चराइजेशन सबसे अलग दिखाई देता है, तो इस फिल्म में भी कुछ ऐसा पिक्चराइजेशन है जो आपको अच्छा लगा हो, कोई सीन हो? लहू के दौरों के बाद मुझे इस फिल्म का डायरेक्शन उससे भी अच्छा लगा एज अ डायरेक्टर। कितना इंप्रूव देखा है आपने मंजुल जी में? 100%। फिल्म कही जा रही है कि नदिया के पार की तरफ फिल्म बनी है, जबकि नदिया के पार एक हिस्टोरिकल फिल्म है, आपको लगता है कि ये फिल्म उस पर खड़ी उतरेगी? मुझे तो लगता है, वैसे जब मैंने फिल्म देखी तो मुझे लगा कि नहीं, ये फिल्म बहुत अच्छी बनी है, और मैंने प्रदीप से कहा भी कि ये फिल्म को मल्टीप्लेक्स में रिलीज करना तो बहुत एडवांटेज होगा। कुछ कहना चाहोगे आप फैंस को जो फिल्म देखे?
मैं भोजपुरी वालों दर्शकों को और हिंदी वालों को भी यही बोलूँगा कि आप फिल्म थिएटर में जाके देखिएगा। ये फिल्म बहुत ही अच्छी बनी हुई है और वेल मेड फिल्म जिसको बोलते हैं। थैंक यू, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.